Hey guys, this is Shanu. Once again, welcome and welcome back to my channel. So, आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा interesting क्योंकि आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ एक DIY home decor से related video. Valentine's Day एकदम पास में और आप अपना एक cozy corner बना सकते हो with the help of these cute alphabets. So, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बट उसके पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. सो गाइज, हियर आई एम यूजिंग पेपर मैश अल्फाबेट और इसे मैं डेकोरेट करूंगी. इसे मैंने इट्सी बिट्सी से मंगाया है. कार्डबोर्ड अल्फाबेट्स भी आप इसे कह सकते हो या फिर आप इसे घर पे भी बना सकते हो. यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ व्हाइट जेसो एंड फ्यू चॉक पेंट्स टू डेकोरेट माई अल्फाबेट. और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ कलरफुल आर्टिफिशियल फ्लावर्स. तो ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कहाँ से मैंने परचेज किया है. तो सबसे पहले मैं व्हाइट जेसो ले रही हूँ और एक पेंट ब्रश से अच्छे से इसे पेंट कर रही हूँ. जेसो का एक कोट लगाने के बाद मैं इस पे चॉक पेंट करूँगी या फिर आप एक्रेलिक व्हाइट कलर भी यूज़ कर सकते हो जिससे कि बहुत ही अच्छा नेचुरल लुक आता है और साथ ही साथ आपका कलर जो है वो अच्छे से खिल के आएगा. इसके बाद मैं यहाँ पे एस अल्फाबेट पे यूज़ कर रही हूँ येलो चॉक पेंट जो कि बहुत ही प्यारा सा ब्राइट मैंगो येलो चॉक पेंट है. और ये चॉक पेंट मैंने परचेज किया है इट्सी बिट्सी से. और इसके साथ ही मैं यहाँ पे पी अल्फाबेट पे यूज़ कर रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर. ये दोनों कलर कॉम्बिनेशन मेरा फेवरेट है. आप अगर चॉक पेंट ना यूज़ करें तो आप एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हो. टोटली डिपेंड्स ऑन यू. मुझे थोड़ा चॉक पेंट इसलिए पसंद है क्योंकि उसका जो फिनिश है वो मैट फिनिश होता है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टिक दीज फ्लावर्स ऑन माई अल्फाबेट्स. और इसे मैं स्टिक कर रही हूँ डबल साइडेड टेप के थ्रू. आप चाहें तो ग्लू गन के थ्रू भी कर सकते हो या फिर आप फेविकोल के थ्रू भी कर सकते हो. सो इसी तरह से मैं कलर कॉम्बिनेशंस देखते हुए नेक्स्ट अल्फाबेट को भी डेकोरेट करूँगी. सो इसके बाद आप देख सकते हो ये कैसा लग रहा है. सो गाइज, अगर आप इसे साइड टेबल पे डेकोरेट करके रखना चाहते हो तो इसके लिए आपको बेस रेडी करना होगा और इस तरह से डबल साइडेड टेप के थ्रू आप बेस पे स्टिक करके इसे रख सकते हो टेबल पे. क्योंकि एस अल्फाबेट तो स्टैंड हो सकता है बट पी नहीं हो पा रहा था. बट फाइनली मैंने इसे वॉल पे स्टिक किया है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ. सो गाइज, नाउ यू कैन सी द फाइनल लुक. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. सो इसी तरह से आप इस वैलेंटाइंस डे पे रूम डेकोर कर सकते हो या फिर इस तरह से आप अपना एक कोजी कॉर्नर बना सकते हो. और हाँ, वैलेंटाइंस डे आ रहा है सो उससे रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा सा रूम डेकोर से रिलेटेड वीडियो आने वाला है. आप घर पे ही डेट नाइट अरेंज कर सकते हो. सो स्टे ट्यून विद माय चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने. सो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.